एस न्यूज। बलरामपुर की नगर पंचायत तुलसीपुर वार्ड नंबर 9 में स्थित महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद द्वारा दी गई मंदिर की जमीन को अपना बताकर मोटी रकम लेकर आनंद प्रकाश मिश्रा व उनके सहयोगी गांधी आश्रम के मैनेजर ज्ञानचंद तिवारी के साथ मिलकर बेची जा रही है। प्रशासन की मिलीभगत से मोटी रकम लेकर मंदिर की जमीन को स्थानीय लोगों के हाथ बेच रहे हैं, जिसकी शिकायत समाजसेवी संतोष जायसवाल ने उच्च अधिकारियों से की तो भूमाफियाओं द्वारा व स्थानीय अधिकारियों द्वारा कहा गया कि अगर तुम बीच में पड़ोगे तो हम पैसे वाले हैं, हम पैसे देकर कुछ भी करवा सकते हैं, जिसकी शिकायत समाजसेवी ने मुख्यमंत्री व उच्च अधिकारियों से की, जिस पर भ्रष्टाचार में लिप्त स्थानीय अधिकारी मामला दबाने में लगे हुए हैं। साथ ही उक्त जमीन को भूमाफिया एक बार फिर बेचने की फिराक में है। मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल, नई बाजार तुलसीपुर का रहने वाला हूँ। आनंद सेवा आश्रम राम जानकी मंदिर महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद ने मंदिर के लिए जमीन दी थी 21 बिस्वा, जिनमें में से इन्होंने ट्रस्ट बनाया 1951 में। ट्रस्ट बना के उसको 22 दिन बेचते रहते हैं। अरविंद अग्रवाल, सुनील अग्रवाल और कुछ ज़मीनों को जो शेष बची है उसमें अपनी निजी संपत्ति बना लिए, अशोक मेडिकल की दुकान खुलवा लिए हैं। आए दिन उससे बेचना उनका नाम है और कुछ बची हैं 42 फुट, उसमें देवी पाटन के मंदिर महंत जी ने कहा था कि जो बची हुई ज़मीनें हैं उसमें मंदिर निर्माण कराया जाए। तुलसीपुर एसओ को निर्देश दिए थे, लेकिन तुलसीपुर उसके नकारते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तुलसीपुर के एसओ या एसडीएम द्वारा आए दिन कोई भी कागज़ बाहर से आते हैं उसको बस निस्तारण लिख देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। न ये मेरी चीज़ है, बस मैं सादर निवेदन करता हूँ, माननीय जिलाधिकारी जी से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकरण को गंभीरता से जांच कराएं और मंदिर की चीज़ मंदिर के लिए निर्माण कराएं। मुझे 1 इंच की ज़रूरत नहीं। मंदिर की ज़मीन को कौन कौन लोग कब्जा कर रखे हैं? आनंद प्रकाश मिश्रा, ज्ञानचंद तिवारी, उनके सारे संबंधित लोग कब्जा रखे हैं और कब्जा करके बेचते भी हैं। वो गवाही भी कब्जे में रहते हैं, बेचने में गवाही भी रहते हैं। अरविंद, उसमें ज्ञानचंद तिवारी और सतीश, किस किस के हाथ बेचे हैं? अरविंद अग्रवाल के हाथ और सुनील अग्रवाल के हाथ, उनके पत्नी के नाम से बेच दिया है और वो आए दिन बेचने में फिर फिराक में लगे हैं। करीब 40-42 फुट बची हुई ज़मीनें हैं। कुल टोटल ज़मीन कितने थी मंदिर की? 110x75 महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद ने दिया था इसको मंदिर कार के लिए, धर्म कार के लिए, लेकिन एक भी धर्म कार का निधि का कोई भी धर्म कार नहीं हो रहा, सिर्फ उल्टा हो रहा है। ये देखिए, ये है प्रार्थना पत्र, ये है हमारे पास, इसको निस्तारण कर देते हैं। आए दिन सब लोग निस्तारण कर देते हैं। माननीय एसपी साहब को मैंने कागज दिया था, ये भी निस्तारण कर देते हैं। बस निस्तारण कर देना उनका अधिकारियों का काम है और मैंने कई बार सब लोगों को, अधिकारी को भेजा भी, कोई सुनवाई कोई नहीं हो रही। कोई बस एसओ साहब कहते हैं कि आप चले जाइए इनके पास, मैं उनके पास, किसके पास चले जाऊँ, मैं खुद में समझ में आता है।